हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर। इतने चाहता हूँ ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो देख रहा हूँ, सुबह इब्राहिम की वीडियो है, उनका व्लॉग है, रिसेंटली कर लिया है व्लॉग उनका, वो देख रहा हूँ आज। होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी, रिक्वेस्ट आ रही थी कि उनकी वीडियो देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदी सब के जहाँ में आप सबका स्वागत है। तो मदाम में दिन कुछ इस तरह शुरू होता है, इसी तरह खत्म होता है। काफी लोग मिलने आते हैं और सबसे मिलके बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आज है बारात वाला दिन और हम मेहंदी नहीं लगा पाए, तो हमने ये इंस्टेंट मेहंदी मंगाई है और हम इसे लगाएंगे। तो आज मैं ये पहनने वाली हूँ। आज बारात का दिन है और ये आउटफिट मैंने अम्मी के ड्रेस से बनाया है। रेडी तो हो गई हूँ लेकिन मुझे लैशेस लगाना नहीं आता, आप सबको पता है। तो हम यहाँ पे पार्लर पे आए हैं। मामू की बेटी है, इसका नाम है रुकैया। ये उसकी बेटी है, इसका नाम है, अच्छा उनकी बेटी है उमैमा। और सारा भी आई है और हम इनके पार्लर आए। लगा दीजिए लैशेस लग गई हैं और अब हम जा रहे हैं बारात वाले वेन्यू पे। ओ, ये वाली दिखे चल रही है। ये सीन होता है, सारे एक दूसरे के साथ आए तो सीरियल में पाकिस्तानी वाइब्स आ रही है सेम टू सेम। तो अभी देखिए बारात आ गई और बारात देखने कितनी एक्साइटमेंट के चेयर पे चढ़ गए हैं। और देखिए कुछ रस्म होती है तो उसके लिए घर के बड़े यहाँ पे गुड़ और फ्लावर लेके खड़े हैं। घोड़े का डांस, ये स्पीकर है, बड़े स्पीकर लगे हैं यार। लड़की का खुद ही आ रहा पीछे के, ये रुक सब तो अभी यहाँ पे तो फ्रेंड्स निकाह हो गया है। अभी कुछ और बाकी चीजें होनी है, तब तक हमारे पास टाइम है। तो मेरी जो फूफी है उनकी जो बेटे की बेटी है, कौन लगी, मेरी बहन लगी ना, कुछ बोलो तो मैं ऐसे चुपचाप बैठ गया। बेटी की बेटी नहीं, हाँ, तो उस साथ बनी हुआ है, तो हम वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हो जाते हैं। नहीं मुझे नहीं पता। हमने सोचा जब आ गए हैं तो थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा दिल से कह रहे थे फिर ऐसे जाना अच्छा नहीं लगता। और देखिए यहाँ से हम निकल गए तीसरी वाली बारात में। जब ये एंट्रो होती है कमाल के लोग आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी सबसे छोटी वाली फूफी है, मतलब बुआ, और इन दोनों को तो आप जानते ही हो। बहुत अच्छी है, पहचान गया ना। अच्छा सारा लोग कह रहे हैं, मैं इन दिनों में मदाम में बहुत सारे लोगों से मिली, लेकिन जो खुशी मुझे हिरा के फेस पे स्माइल देख के मिली ना, उसकी बात ही अलग है। माशाल्लाह, वो जो एंड पे मिली ना, अच्छी। और उसके बाद हम लोग जा रहे थे बारात का खाना खाने। आ
चेन्नई। और आप देखिए मौदाम में इस तरह इतनी बड़ी कढ़ाई में खाना बनता है, टेस्ट भी बहुत यम होता है, बहुत ही अलग होता है। फ्रेंड्स निकाह हो गया था, हमने बाकी सारी जगह भी हो लिया है और उसके बाद हमने खाना भी खा लिया है, आपने देखा होगा। अभी हम लोग जा रहे हैं कपड़े चेंज करने, मुझे किसी कपड़े चेंज कर लेते हैं क्योंकि सब बहुत हैवी सा उलझन सी हो रही है, कुछ सिंपल पहन लेते हैं, उसके बाद जाएंगे विदाई देखने। विदाई मैंने वीडियो देखी तो रोने लग गए थे सारे। देखते हैं इधर क्या हुआ, कैसा लग रहा मेरा आउटफिट, जबरदस्त। क्या हुआ, आपने हमारे फ्लावर्स पूरे फेंक दिए, क्या करना था? हम तो आपके ऊपर ऐसे ऐसे डालना था। विदाई से पहले एक रस्म होती है, उसमें भी देखिए दूल्हे को पान खिलाया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है और घर वाले कुछ गिफ्ट्स देते हैं। और उसके बाद एक ही वाली रस्म होती है, उसमें दूल्हे से पूछा जाता है कि दुल्हन मीठी है या शक्कर मीठी है, तो वही कर रहे थे। और दूल्हा थोड़ा भाव खाता है और कहता है शक्कर मीठी है, फिर लास्ट में उसे कहना पड़ता है कि दुल्हन। और अभी देखिए ये विदाई का वक्त आ गया है। विदाई हो चुकी है, हम लोग घर आ गए, बहुत ही सैड माहौल हो गया था, तो बहुत ज्यादा रोने लगे थे। क्यों इतना उदास हो गए? बहुत कच्चा दिल है, नहीं विदाई देख सकते किसी, तो उस वक्त नहीं देखी जाती। रजा के बारे में सोचा या उसी के बारे में सोचा? मुझे याद है मेरी सिस्टर की विदाई था, तुम लोगों का मैं बड़ा स्ट्रांग फील रहा था, सब कर दे क्या अपना, सिस्टर मेरे साथ लग गया ऐसे करके, ठीक है मैं अब चाहिए छोड़ के, उतनी टाइम कैसा लगता है। हालांकि मैं अकेला मतलब दूर दूर ही उठी, भाई सब इतना रो रहे थे। और सच में एक बहुत बड़ी चीज होती है इसके, इससे आपकी पूरी लाइफ डिपेंड होती है। अगर आप जिस घर में जा रहे हो वहाँ सब अच्छा है, दूल्हा अच्छा है, घर वाले अच्छे हैं, तो सब कुछ अच्छा है। और अगर गलती से वो लोग कोई भी खराब निकले तो भाई लड़की की पूरी जिंदगी खराब हो जाती है, ज्यादा माँ बाप की। सही बात है, लड़की की जिंदगी खराब होगी तो उसको देख देख के माँ बाप जिंदगी भर परेशान होते हैं। इसीलिए बस हम लोग यही कहना चाहेंगे कि तुम्हें कैसा लग रहा था, मुझे भी ऐसा लग रहा था, थोड़े थोड़े आंसू आ रहे थे, देखा नहीं आपको। सोचता है कि लड़की की जिंदगी में कैसे होता है, मतलब बचपन से अपने माँ बाप के साथ रहना, सब कुछ करना, और अचानक से अनजान लोगों के साथ उनके घर पे उनके हवाले। अब वो चाहे प्यार से रख ले और वो चाहे तकलीफ दे ले, तो मैं तो बस आप सबसे यही कहना चाहूंगी, खाला भी यही कहना चाहेगी कि आप जो भी बहू को ला रहे हैं ना, उसे बहुत प्यार दे, उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखो, उसका ख्याल रखो, उसे ऐसे फील नहीं होने दो कि वो अपना घर छोड़ के आई है। सारी सास अपने बहू से बहुत प्यार करे, सारे हस्बैंड और सारी नंद जो भी लड़की आती है उसे बहुत पैम्पर करो, बहुत प्यार करो, अल्लाह भी खुश होता है। किसी लड़की को खुश करोगे उसके माँ बाप खुश होंगे, कितनी सारी दुआएं मिलती है। सही बात, बेशक उसे बेटी बना के रखो, उसे बहुत मोहब्बत करो, समझो कि हमारी बहन की तरह है। वो अपना घर जब घर छोड़ जाती है तो कैसा लगता है। सही, आज हम लोगों ने विदाई देखी है, शादी में सब इतना ज्यादा थक गए ना, थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई, इनकी घड़ी बंद पड़ी तो बच्चों से ठीक कर रहे हैं। पता है एक बार सुन लिया गए, चाहती हूँ टूट जाए घड़ी, तो यहीं से बड़ी वाली ला के दई है। तुम लेके तो आई हो मुंबई से एक घड़ी, पहले इससे तो लेंगे, इसको तो नहीं छोड़ेंगे, जब ये गिराएगा। हाँ। वैसे तो फिर अपना हम लगाएंगे क्यों, बेटी का बचा हुआ खाना बाहर जानवरों के लिए रखने जा रही है। सर्दी है बाहर, बेचारा कितना डर डर के आ रहा है, नहीं खाया उसने दलिया, भैया कुछ अच्छा खिलाओ उसको। यहाँ पे साइड वाले घर में भी शादी है, तो कितनी प्यारी लाइटिंग की हुई है, शादी का सीजन मतलब नेक्स्ट डे। ये छोटू भी ब्लॉग बनाता है। ओके आज यहाँ पे क्यूट से दोनों बच्चे आज उसे मिलने आए थे, ये लोग डेरे में भी लेके आए, इसके लिए आप क्यों परेशान हुए बेटा? तो आ
आज हम अपने बड़े मामू के घर आए और यहाँ पे मुझे मेरे फेवरेट दही बड़े मिले हैं। किसने बनाए? हमारी ये मामी ने बनाए हैं। थैंक यू, ये बहुत अच्छे बनाती हैं। जब से हम छोटे से आते थे ये हमें बना के खिलाती हैं, तो आज भी बनाए। मैं खा रही हूँ बैठ के, सब एकदम वीडियो सुन के चुप चाप क्यों हो जाते हो? सफाई वो चीजें नहीं है, लाइक मुझे वो एक होता है ना कि हम लोग अभी जाने लगे फूफी के घर और देखिए रास्ते में बंदर बैठा है। नहीं सारा बुलाओ भाई, तो और ऐसी जगह फ्रेंड्स बंदर से बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि सुनने में आया कि वो नोच भी लेता है ना। क्या करता है बेटी खाला? क्या करता है? लतिया लेता है, दौड़ा लेता है, दौड़ा लेता है बेटी खाला। प्लीज यार, ये बेल कितनी प्यारी लगी। बॉडी फैन फैन बढ़िया। इंडिया में बदी कहते हैं शायद, पाकिस्तान में बड़ी। बैठो फ्रेंड्स, हम सब जा रहे हैं स्टेशन चाय पीने। आधे लोग उस ऑटो में बैठेंगे, आधे लोग इस ऑटो में बैठेंगे। यार ऑटो बड़े प्यारे लगे, पाकिस्तान में डिफरेंट तरह के होते हैं, ये भी इससे डिफरेंट है थोड़े से। इधर वो बाइक क्या भी रखा होता है। यहाँ पे बैठने के लिए था, लेकिन हम यहाँ नहीं बैठ रहे क्योंकि अंदर बैठ के क्या मजा आएगा। सब कह रहे हैं छत का मजा लेते हैं, ठंड भी हो रही है, छत में तो अंधेरा है। yes. स्टेशन, स्टेशन के पास बनी है चाय। यहाँ पे सिर्फ चाय मिलती है अरबाज। अच्छा अच्छा, और यहाँ पे जिसको खाना है सब यहीं बैठ के खाए। सब लोग बैठ रहे थे, फिर मामू ने कहा कि चलो चाय पी के आते हैं, और यहाँ स्पेशल एक नई होटल खुली है, तो हम लोग सब यहाँ पे चाय एंजॉय कर रहे हैं। उठाओ चाय, ये शक्कर वाली है, सब अपनी अपनी उठा लो। बेटी खा, देखो कितना खुश हो रही है। मीठी थी मकाई की टिकिया, बेसन की, बेसन की थी। चाय में जरा जरा सी ताजा खा लो। ये कौन सी है, मीठी है वो? मीठी आ रही है ये फीकी है ये? अच्छा, बाबू कह रहे बहुत बड़े बड़े कप है। इतनी देर से आई और इतने बड़े कप में आई है। मैं इतना सा कप नहीं पीता, अगर पीनी हो तो बहुत मगा। सेम पाकिस्तान के आगे आपने देखा होगा कितना मजा आया, और जब घर गांव साइड का ये चीज है, फैमिली के लोग हैं, कुछ फैमिली के जानने वाले लोग हैं, उसमें से ये भी प्यारी से बच्ची मिलने आई। क्या नाम है आपका? सदीका। थैंक यू मिलने आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरी कल ये कवर किस तरह का नाम करा, कवर चेंज कर इसका, वो एक फ्लैग है, फ्लैग के बारे में। मेरी खाला दिखाओ सारा, ये है मेरी खाला और इसकी बेटी भैया, मेरी बहन भी मिलने आई है। इतने सारे लोगों से मिल रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। जब सब साथ में बैठ के ऐसे बातें करते हैं तो कितनी खुशी होती है ना। अल्लाह ये वक्त हमेशा बनाए रखे, अम्मा को अच्छा रखे, उनका साया हमारे सर पे बनाए रखे। आमीन आमीन। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लाजमी देखिएगा, अच्छी लगी है वीडियो, मैंने एंजॉय किया, मजा आया हमें देख के, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा आल्सो, वाकई लोग अच्छा था, मजे का था, तो मजा आया। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में डाल बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।